हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर के P3 एरर कोड के बारे में। लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर में P3 एरर कोड क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और हम इसे कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। गाइस, रोज की ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और अगर आपको जल्द से जल्द हमारी न्यू वीडियो देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस, हम बात कर रहे थे लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में, तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके एयर कंडीशनर में भी इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर में भी P3 एरर कोड देखने को मिल रहा है, एकदम जैसे आप AC ऑन करते हो ना, AC ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद में AC बंद हो जाता है मतलब, और P3 एरर कोड डिस्प्ले पर शो होने लग जाता है, तो इसके कुछ ऐसे रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा और रूल बाय रूल आपको उनको फॉलो करना होगा और इंशाल्लाह P3 एरर कोड आपका डिस्प्ले से हट जाएगा। तो जो हमारा मेन रीजन है, जो मैं फर्स्ट पॉइंट पहले आपको बताता हूँ, पहले अगर जो P3 एरर कोड जो आने का रीजन है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले आपको उसको फॉलो करना होगा। जो पहला रूल है वो है वोल्टेज प्रॉब्लम, अगर वोल्टेज अप या डाउन होंगे तो P3 एरर कोड देखने को मिलेगा लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। अगर जैसे हमारे जो वोल्टेज है 190 या 150 आ रहे हैं तो हमें P3 एरर कोड देखने को मिलेगा, तो वोल्टेज में भी अगर इश्यू होगा तो हमें P3 एरर कोड देखने को मिलेगा ओनली लॉयड इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो मेन रीजन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो तो हो गया ये वोल्टेज, अगर हमारे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, 220 वोल्टेज आ रहे हैं या 230, उसके बाद भी अगर हमें P3 एरर कोड देखने को मिल रहा है तो फिर हमें जो दूसरा रूल है उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो रूल बाय रूल आपको ये काम करना होगा, पहले आपको वोल्टेज ही चेक करने होंगे, हो सकता है वोल्टेज में प्रॉब्लम हो तो उस वजह से हमें P3 एरर कोड देखने को मिलता हो, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना होगा। अगर वोल्टेज ठीक है तो फिर आपको दूसरे पॉइंट पे आने की जरूरत है और उसको फॉलो करने की भी जरूरत है। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा जो P3 एरर कोड देखने को मिलता है तो वो है गैस, हो सकता है हमारे AC से गैस लीकेज हो गया हो या फिर धीरे धीरे गैस लीक हो रहा है तो उस वजह से भी हमें P3 एरर कोड देखने को मिलता है। तो फिर अगर AC में गैस नहीं है तो आप उसको मतलब लीक को फाइंड करने के बाद में वेल्डिंग करके गैस को फिल कर दें और P3 एरर कोड हट जाएगा। बट गाइस, आपने वोल्टेज चेक किया वो भी ठीक आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, AC में गैस भी है, फिर भी हमें P3 एरर कोड देखने को मिल रहा है, तो फिर जो हमारा लास्ट रीजन है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा फिर PCB प्रॉब्लम, PCB ठीक से वर्क नहीं करेगा तो भी P3 एरर कोड देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, नियर बाय जहां कहीं भी आप जो PCB कार्ड रिपेयर कराते हैं PCB कार्ड को खोल करके आप ले जा सकते हैं और वहां पे रिपेयर करा के दोबारा लगा दें, P3 एरर कोड डिस्प्ले से हट जाएगा। और गाइस, अगर आप चाहें तो हमसे भी PCB कार्ड रिपेयर करा सकते हैं या फिर ओनली दिल्ली NCR में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर AC से कोई भी आपका जो मसला है वो हल नहीं हो रहा है तो वो सारी काम हम करते हैं, A to Z होम सर्विस रिलेटेड सारे काम हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो हमसे भी वर्क करवा सकते हैं, बट हम ओनली दिल्ली NCR में सर्विस देते हैं। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाइस, रोज की ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।